हेलो, आई एम जानी फ्रॉम सी एल सी सीकर सी एल सीटेड सी एल सी थ्री ऑन दिसंबर मैथमेटिकल पोर्शन सोल्यूशन नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इन द गि पैटर्न माइनस थर्टी सेवन माइनस ट्वेल्व एंडक्स्ट वन इज क्या हो रहा है यहाँ पे माइनस सिक्सटी टू -62 ये नंबर 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 है, है से पहले आपको पे क्या मिला हुआ है? है के बाद में आपका क्या आ रहा है नंबर माइनस का थर्टी सेवन आ रहा है तो इन दोनों में कितने का चेंज हो गया हमने प्लस करना पड़ा है ट्वेंटी फाइव प्लस किया है यहाँ पे इन दोनों में हमने क्या किया है प्लस ट्वेंटी प्लस किया है और यहाँ पे ट्वेंटी फाइव प्लस करेंगे तो ट्वेंटी करेंगे कितना नाउ रेसिप्रोकल 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 ऑफ फ्रैक्शन फ्रैक्शन का है मतलब जस्ट उल्टा कर दो तो क्या थ्री अपॉइंट टू नासीप्रोकल ऑफ टू थ्री अपॉइंट फोर प्लस वन टू अपॉन फाइव तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा सब दोनों को फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करना पड़ेगा तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट इमर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया कितना आ गया इलेवन अपॉन एट सॉरी इलेवन अपॉन फोर इलेवन अपॉन फोर हो जाएगा और उसके बाद में हम बात करेंगे ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इलेवन अपॉन फोर और ये हो जाएगा आपका सेवन अपॉन फाइव दोनों का आप लेंगे फाइव एंड फोर का एल्शियम क्या आ जाएगा ट्वेंटी नाउ ट्वेंटी इज डिवाइडेड बाई फोर देन वी गेट फाइव फाइव इज मल्टीप्लाई बाई इलेवन देन आंसर इज फिफ्टी फाइव नाउ 20 is divided by 5, then we get a 28. Then when we get a 4. 4 is multiplied by 7, then we get a 28. Now add the both of these, then we get a 83 upon 20. Now we have to reciprocal of this number. So kya jayega? 20 upon 83. Now option number first will be a correct answer. Question number 4th: The product of a fraction.

24 ये आंसर आ गया अब ये कह रहा है कि क्या करो आप ग्रेटर फ्रैक्शन ग्रेटर फ्रैक्शन नॉर्मली आप हम यहाँ पे बात कर रहे डिवाइड करने पे आपका न्यूमरेटर आपका ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है मतलब क्या होगा ए आप ए शुड बी ग्रेटर फ्रैक्शन तो हम यहाँ क्या करेंगे यहां से हमने ए की वैल्यू निकाल ली क्या आ गया 35 अपॉन 24 बी ये यहां पे प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30 फाइव अपॉन ट्वेंटी फोर बी इन टू 35 अपॉन थर्टी फाइव थर्टी फाइव नहीं होगा अब यहां पे हम क्या करेंगे इनको सॉल्व करेंगे आपका फिफ्टीन है थर्टीन अपॉन ट्वेंटी थर्टीन अपॉन ट्वेंटी फोर का क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो बी स्क्वायर हो गया यहाँ पे फोर्टीन अपॉन फिफ्टीन इन टू

आपको क्या दिया हुआ है रानी एट टू अपॉइन सेवन पार्ट ऑफ केक वाइल हर ब्रदर रवि एट फोर अपॉन फाइव पार्ट ऑफ रिमेनिंग पार्ट रानी ने क्या किया टू अपॉइन सेवन कट केक खाया था और उसके भाई बा, ने कितना खाया था फोर अपॉन फाइव हमें यहां पे इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होगा उसके अंदर कंसीडर करना पड़ेगा कि जो केक है केक कितना है हमारा वन पार्ट है वन पार्ट को हमने क्या किया एक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट कर दिया लेटर केक केक हमारा कितना है हमारा x है तो रानी ने कितना केक खाया है? 2x upon 3 2x upon 7 और ब्रदर ने कितना खाया 4x upon 5 4x upon 5 इन दोनों को हमने प्लस कर दिया प्लस करने पे कितना आ जाएगा दोनों का एलसीएम आ जाएगा कितना आ गया 35 35 में 7 का डिवाइड 5 5 को मल्टीप्लाई किया 10x हो गया थर्टी फाइव में फाइव का डिवाइड सेवन सेवन को मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया ट्वेंटी हो गया दोनों को ऐड किया थर्टी एट एक्स अपॉन थर्टी फाइव अब जो टोटल केक था उसमें से माइनस कर दो रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा तो एक्स माइनस थर्टी -38 एट अपॉन थर्टी एट एक्स अपॉन क्या आ जाएगा थर्टी फाइव माइनस अभी आंसर क्या आ जाएगा माइनस थ्री एक्स अपॉन थर्टी फाइव मतलब मतलब ये आंसर माइनस में आने लग गया मतलब केक जिता था उससे ज्यादा तो उन्होंने तो तो खा लिया था मतलब, यहाँ पे दिया is, लेकिन में मतलब कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे और कुछ चीज मिसिंग है वो अगर गिवन होगी या तो टू केक गिवन होने चाहिए थे जो भी है मिसिंग है मतलब डेटा क्या हो गया आपका इन है आउट ऑफ फाइव ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट उट ऑफ फाइव ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट इन टू परचेज ब्रांड विच इज लाइक मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और वैल्यू ज्यादा किसकी होती है मोस्ट पॉप्युलर पॉलिटिशियन मोस्ट पॉप्युलर मतलब सबसे ज्यादा लोगों ने जिस, जिसको पसंद किया है सबसे ज्यादा लोग जिसको पसंद करेंगे मतलब वो मॉड निकालेंगे फॉलोइ नॉट अलाउड इन द इक्वेशन इक्वेशन में क्या हम कर नहीं सकते एडिंग द सेम नंबर ऑन बो साइड दोनों साइड पे हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई क्या करेंगे एड करेंगे चल सकता है करते ही हम सबिंग द सेम नंबर फ्रॉम द बोथ साइड दोनों साइड में सेम नंबर को सब्टेक्ट करें डेफिनेटली कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग बो साइड

वर्णा आलंकी से कहते हैं कि हम बात कर रहे हैं दोनों नंबर में किसी भी नंबर का हम डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर का डिवाइड कर सकते हैं लेकिन यहां यह है क्योंकि हमें नॉन जीरो ऑप्शन जीरो नंबर so फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर एक्स एक्स वाई बाई सेवन रिप्रेजेंट एक्स वाई से सात ज्यादा है मतलब एक्स माइनस वाई टू सेवन विल बी करेक्ट आंसर एम अपॉन फाइव प्लस ट्वेंटी इक्वल टू फोर्टी नाउ क्या किया फर्स्ट ऑफ ऑल 25 को हमने ट्रांसफर कर दिया 20 को हमने ट्रांसफर कर दिया 20 को हमने ट्रांसफर किया 45 में 45 फाइव माइनस ट्वेंटी कितना होता है आपका 25 तो so, m अपॉन फाइव इक्वल टू कितना आ गया 25 क्रॉस मल्टीप्लाई किया m इक्वल टू कितना आ गया 125 विल बी ए करेक्ट आंसर देन ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी ए करेक्ट आंसर राइट एंगल है और यह आपका क्या होता है जो भी एंगल्स बनते हैं वो लीने पेड़ होता है अकेला ये आपका आर ओ एस नाइनटी डिग्री है मतलब ये दोनों एंगल का सम करने पे कितना आना चाहिए नाइनटी डिग्री आना चाहिए आपको इनका रेशियो दिया हुआ आपको दिया हुआ एंगल पीओ आर एंड क्यू एस रेशियो P -O, P -O मतलब ये ये हो गया कितना हो जाएगा फाइव एक्स और दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा नाइनटी डिग्री मतलब सिक्स एक्स इक्वल टू नाइनटी डिग्री तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिफ्टीन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ क्यू ओ एस सेकेंड ऑप्शन नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेवेंटी नाइन सेवनटी नाइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जो समय नाइनटी हो जाएगा तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी अ करेक्ट आंसर आपको देखो दिया a, a की वैल्यू पूछ रहा है मतलब मतलब इन दोनों दोनों का करेंगे कितना 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 आ जाएगा? 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 मतलब को को हो हो और ट्रांसफर किया कितना फाइव एक्वल टू टू हंड्रेड देन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए की वैल्यूल फोर्टी ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी ए आंसर विच नेचुरल नंबर हैविंग टली टेन फैक्टर्स सबसे छोटा आपका स्मॉल सबसे छोटा नंबर जिसके टेन फैक्टर्स होने चाहिए टेन फैक्टर्स मतलब टेन नंबर का डिवाइड होना इसमें किसका डिवाइड होता है वन का और टू का और थ्री का देन आफ्टर फाइव का हो जाएगा देन आफ्टर का हो जाएगा उसके बाद में आपका किसका डिवाइड हो जाएगा फिफ्टीन का और उसके अलावा किसका डिवाइड हो जाएगा थर्टी का मतलब नंबर हो गए उसके बाद में बात करते हैं ट्वेंटी फोर की ट्वेंटी फोर में किसका डिवाइड होगा वन का और टू का और किसका डिवाइड होता है थ्री का उसके अलावा हम किसका डिवाइड कर सकते हैं फोर का उसके अलावा हम और किसका डिवाइड कर सकते हैं सिक्स का उसके अलावा और किसका डिवाइड हो जाएगा आपके एट का उसके अलावा और किसका डिवाइड कर लेंगे का uh, 24. 24 फिर हम बात करते हैं सिक्सटीन सिक्सटीन में किसका डिवाइड होता है वन का वन के बाद में टू का टू के बाद में फोर का फोर के बाद में एट का एट के बाद नाउ फोर्टी एट 48 के बारे में बात करते हैं किस किस का डिवाइड हो जाएगा एक आपका वन का फिर टू का फिर थ्री का फिर फोर का फिर आपका सिक्स का देन आफ्टर एट का देन आफ्टर आपके डिवाइड हो जाएगा ट्वेल्व का देन आफ्टर डिवाइड हो जाएगा आपका सिक्सटीन का देन आफ्टर ट्वेंटी फोर का देन आफ्टर आपके डिवाइड हो जाएगा आपका 48 एट का किसका डिवाइड हो जाएगा फोर्टी का नंबर कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन

यहाँ पे इन दोनों का करेंगे डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा सिक्स आ जाएगा इसका करेंगे डिनोमिनेटर फाइव आएगा तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अ करेक्ट आंसर ये कह रहा है माइनस -35 107 इज नॉट सेम एज 107 को हमने क्या किया प्लस कर दिया चलेगा 35 को पहले सेवन से मल्टीप्लाई कर दिया फिर अपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ये भी चलेगा 35 7 प्लस 100 अच्छा जम नहीं रहा है थर्टी फाइव को माइनस थर्टी माइनस फाइव इंटू वन जीरो सेवन किया डेफिनेटली भी हो सकता है तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज नॉट अ सेम वन अपॉन नाइन ऑफ फाइव पॉइंट फोर किलोमीटर फाइव पॉइंट फोर किलोमीटर का वन अपॉन नाइन तो वन अपॉन नाइन इंटू फाइव पॉइंट फोर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड फाइव फोर जीरो जीरो

थ्री किया कितना जाएगा एट और सिक्स एटी सिक्स आपका क्या आ गया मीन आ गया फिर आप, आप क्या बोल रहे हैं और इफ सी एटी इन द फोर्थ एग्जामिनेशन फोर्थ एग्जामिनेशन के अंदर इसने क्या कर दिया एटी स्कोर कर दिया ठीक है तो एटी स्कोर करने के बाद में अब यहां पे बात करेंगे एटी और ऐड कर देंगे किसके अंदर 258 के अंदर 258 के अंदर 80 ऐड किया तो कितना जाएगा 258 प्लस 80 कितना आ गया जीरो सॉरी एट ये कितना आ गया थ्री ये कितना हो गया थ्री थर्टी एट इज डिवाइडेड बाय फोर क्या हो गया आपका एट फिर फोर पॉइंट फाइव एटी फोर पॉइंट फाइव अभी मीन क्या आ गया एटी फोर पॉइंट फाइव आ गया अब ये क्या बोल रहा है देन एवरेज स्कोर विल बी एवरेज स्कोर का क्या हुआ है वन इंक्रीज हुआ है क्या नहीं इंक्रीज हुआ

0.65 आ जाएगा 0.37x तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.65 0.37 तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो 65 upon 37 विल बी करेक्ट आंसर के नाउ इन द फिगर वैल्यू ऑफ x x की वैल्यू आपके एक पॉइंट्स के सराउंडिंग जो भी एंगल्स बनेंगे उन सारों का सम कितना होता है 360 डिग्री तो इन दोनों का सम किया कितना हो गया 110 110 plus टू फिफ्टी सॉरी टू टेन हो गया तो टू टेन प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी X equals to 150 डिग्री देन ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर नाउ इन फिगर इन द डायग्राम पी क्यूब इज पैरेलल टू एस आर एंड एस पी इज पैरेलल टू पी आर क्यू देन एंगल्स अब ये कह रहा है ए एंड बी ये ए A क्या हो जाएगा आपका ट्वेंटी हो जाएगा बी की वैल्यू ट्वेंटी और फिफ्टी तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर आ रहा है फर्स्ट विल बी करेक्ट ये एंगल है ए क्या आपका एक्स माइनस दिस वन और ए क्या आपका वन एटी माइनस एक्स अब ये दोनों एंगल्स क्या होंगे हम क्या करेंगे ये दोनों आपके इंटीरियर एंगल

ठीक है वन इज ए परफेक्ट स्क्वायर और किसका डिवाइड हो रहा है इसके अंदर फोर का डिवाइड हो रहा है फोर इज अ परफेक्ट स्क्वायर उसके बाद में और किसका डिवाइड हो रहा है इसके अंदर हम बात करेंगे यहां पे फोर के बाद में इस नंबर के अंदर और डिवाइड हो रहा है आपका हंड्रेड का हंड्रेड इज ए परफेक्ट स्क्वायर उसके बाद में हम बात करेंगे और किसका डिवाइड हो रहा है इसके अंदर आपका सिक्सटीन का सिक्सटीन इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर उसके बाद में और बात करेंगे और किसका डिवाइड हो रहा है इसके अंदर एक आपका डिवाइड हो रहा है 400 का 400 इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर उसके अलावा और किसका डिवाइड हो रहा है एक नंबर को हमने भूल गए कौन सा 25 25 इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर 25 पे इसमें डिवाइड हो रहा है तो 1 2 3 4 5 6 सिक्स नंबर्स ऑप्शन नंबर 3 विल बी अ करेक्ट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ

तो यहां से हम लोग माइनस वन कर रहे हैं यहां से यहां से सबसे पहले क्या कर रहे, है? number, तो रहे हैं क्वेश्चन नंबर तो ये आ रहा है सबसे पहले माइनस वन फिर यहां से ये यह भी माइनस वन ये भी माइनस वन है ये भी माइनस वन है ये भी माइनस वन और पूरा सीरीज माइनस वन में जा रहा है अब हमें कह रहा है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज विच वर्ड वुड बी कोडेड एज जेड एक्स मतलब जेड एक्स सी एम पी ये पूरा सीरीज माइनस वन में है तो ऊपर जाएंगे तो प्लस वन में कर दो यही तो है ना तो जेड में वन किया ए ये आ जाएगा वाई ये आ जाएगा डी ये आ जाएगा एन और पी के बाद में आ जाएगा क्यू तो हमें ये ऑप्शन देखना ए वाई डी एन क्यू ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्ट्रिंग इज कोडेड एज एस टी आर आई एन जी स्ट्रिंग इज कोडेड एज परसेंटेज इक्वस टू या फिर मैं इनके नीचे लिख देता हूँ परसेंटेज इक्वस टू स्टार माइनस डॉलर डिवाइड क्लियर है ना ये कैंसिल है ऐसा कुछ है ही नहीं नेक्स्ट दिया हुआ है मुझे पी आर ए आई एस ई और इसका कोड दे रखा है क्वेश्चन मार्क स्टार एट द रेट माइनस परसेंटेज और ये मल्टीप्लाई का साइन देन हाउ विल बी द वर्ड जी आर ए पी एस ये दिया हुआ ना तो देखो आर यहाँ से स्टार है तो R यहां से भी स्टार है। I यहां से माइनस है मतलब कॉमन के रिगार्डिंग आते हैं और हमें पता है कि जब कोडेड पोर्शन अगर सिंबल्स के रिगार्डिंग होता है तो वो ऑलमोस्ट कॉमन के रिगार्डिंग होता है तो जी सबसे पहले तो डिवाइड हो गया हमारे पास फिर आर का स्टार हो गया फिर ए का यहाँ से एट द रेट हो गया पी का क्वेश्चन मार्क हो गया ई e का मल्टीप्लाई और एस का परसेंटेज ऐसा हमें ऑप्शन देखना है डिवाइड

इफ माइनस मल्टी मीन्स मल्टीप्लाई मीन्स माइनस प्लस मल्टीप्लाई मीन्स प्लस अब माइनस मीन्स क्या है मल्टीप्लाई बाई टू डिन्स क्या है प्लस नाइन हंड्रेड और प्लस मीन्स क्या है डिवाइडेड बाई नाइन्टी और मल्टीप्लाई मीन्स क्या है माइनस so, हंड्रेड तो इससे तो सोल्व हमने किया तो so, ये तो आ गया हंड्रेड आ गया हमारे पास क्लियर हो गए ना यहाँ तो ये कितने हो गए थर्टी प्लस हंड्रेड माइनस ये हंड्रेड मल्टीप्लाई तो ये कैंसिल हो गया तो आंसर एक बार क्रॉस भी चेक कर लेते हैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई माइनस क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई बाई टू डिन्स क्या है हमारे पास डिवाइड मीन्स है प्लस नाइन हंड्रेड और प्लस मीन्स क्या है हमारे पास प्लस मीन्स है डिवाइडेड बाई नाइन्टी ये सॉरी टेन

थ्री स्टेटमेंट ऑफ द नंबर्स फॉलोइंग सेम रूल्स आर गिवन फाइंड द रूल एंड अकॉर्डिंग फाइंड द वैल्यूज थ्री प्लस नाइन थर्टी वन फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व फोर्टी फाइव एटीन प्लस नाइन थर्टी सिक्स मतलब इसे थ्री से डिवाइड किया थ्री को थ्री से डिवाइड किया वन और थ्री को नाइन से डिवाइड किया तो थ्री टाइम्स थर्टीन को उल्टा कर दिया थर्टी वन इसको भी थ्री से डिवाइड करेंगे फाइव और फोर तो फिफ्टी फोर को उल्टा कर दिया फोर्टी फाइव थ्री थ्री से डिवाइड करेंगे सिक्स थ्री तो थर्टी सिक्स बन गया

18 प्लस 3, 21, 21 प्लस 3, 24, 24 प्लस 3, प्लस 3 प्लस 3. ऑप्शन नंबर जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 32. इन अ जॉइंट फैमिली देयर आर द फादर मदर एंड थ्री मैरिड सन एंड वन एंड मैरिड डॉटर. ऑफ़ द सन टू हैव टू डॉटर, टू हैव टू डॉटर ईच एंड वन हैज़ अ सन. वन हैज़ अ सन. उ मैनी फीमेल में आर देर इन द फैमिली तो सबसे सब पहले इस फेमिली में एक फादर है एक मदर है थ्री मैरिड सन है इनके तीन मैरिड सन कंसिडर कर लेता हूं ये सन रहा सन वन सन टू सन थ्री एंड एंड वन अनमेरिड डॉटर वो एक डॉटर है बेटा यहाँ ऑफ द सन्स ऑफ द सन्स टू है वन ये थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ से, से लग रही है पुत्रों में से के दो और एक का एक मैरिड है तो सबसे तो तो सब पहले इनकी एक तो वाइफ हो गई और जो सन है उनमें प्रत्येक के दो दो डॉटर हैं दो डॉटर इसके हैं दो डॉटर इसके हैं दो डॉटर इसके हैं और एक सन है तो उसका कोई मीन है नहीं तो हमारे पास यहाँ से जो रह गए वो एक मदर फीमेल यहाँ से है और वन टू थ्री थ्री तो वाइफ है एक डॉटर मतलब फोर यहाँ से फीमेल हो गई और टू टू अगर मैं यहाँ से कंसिडर करूँ तो सिक्स यहाँ से हो गई तो ये टोटल बन रही है इलेवन जो कि ऑप्शन में नहीं है और आई थिंक यहाँ जो क्वेश्चन के अंदर है वो टू होना चाहिए कि टू हैव टू डॉटर ईच कि दो पुत्रों में से प्रत्येक के दो बेटियां होनी चाहिए ये करेक्शन है आंसर इलेवन होना चाहिए जो ऑप्शन में नहीं है और अगर यहां ऐसा टू होता तो आंसर मतलब इनमें दो के दो बेटी हो जाती मतलब चार यहाँ हो जाते तो यहाँ ये चार ही रहते तो चार चार आठ एक नौ ऑप्शन नंबर हो जाता बट अभी ऐसा नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर वैन फिगर इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द फिगर क्वालिटी यहां से ये है तो सबसे पहले अगर हम वाई से तो फर्स्ट ऑप्शन तो डिलीट हो चुका है यहां से दूसरा अगर हमें टी फिर है आई फिर है एल फिर है ए फिर है यू और जो क्यू वाला जो पोर्शन है वो मिरर की साइड में ऐसा सा ऑप्शन हमें देखना है तो यू टी आई एल ए यू क्यू ऑप्शन नंबर थर्ड ये तो ये वाले के कारण कट रहा है और ये यू के कारण कैंसिल के हो रहा है तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर चूज द फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द अनफोल्डेड फिगर अब सबसे पहले हम लोग यहाँ से ये जो फिगर है इसे यहां से ओपन करें तो यहाँ आ गया तो यहाँ फिर पहुंच गए अब इसे हम लोग यहाँ से करेंगे तो ये यह यहां आ जाएगा तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर दीपक स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट आफ्टर 75 सेवनटी फाइव मीटर्स ही टर्न टू तु द लेफ्ट यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेगी लेफ्ट टर्न है एंड वॉक का स्ट्रेट ट्वेंटी फाइव मीटर्स पच्चीस मीटर वो चलेगी स्ट्रेट अगेन ही टर्न टू द लेफ्ट एंड का डिस्टेंस ऑफ फोर्टी मीटर यहाँ से वो फोर्टी मीटर चलिए तो फोर्टी मीटर अप्रोक्सिमेटिड तो ट्वेंटी आ गए बेटा तो ये तो फोर्टी फोर्टी मीटर हो गया तो ये कितना रहा थर्टी फाइव मीटर रहा क्योंकि ये टोटल कितना है सेवेंटी फाइव तो थर्टी

विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस से ये वाला डायरेक्शन कैलकुलेट करना है हमें तो ये डायरेक्शन आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट तो नॉर्थ ईस्ट में कितना मीटर आएगा जब ये टोटल टेन है जिसमें से यहाँ सिक्स तो ये रिमाइंडर थ्री ये कितना है सॉरी ये फोर है ये थ्री है तो ट्रिपलेट से हम लोग सोल्व कर सकते हैं फोर तो का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव करोट फाइव मीटर तो ये आ जाएगा फाइव मीटर नॉर्थ ईस्ट

तो 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 हमें हमें का तो three वाला है है तो वाला right अब अगर figure के हमें नहीं mirror लगा तो हम लोग right में consider करते हैं और राइट right में कंसिडर करके यही तो हमारे पास एक इमेज बनेगी अब ये वाला डार्क है तो ये डार्क बना दिया हमने ये वाला डार्क यहाँ आएगा और ये वाला डार्क यहाँ आएगा ऐसा ऑप्शन हमें कंसिडर करना है कि कहाँ बना है हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर यू आर गिवन द फिगर एक्स फॉलोड बाय द फोर अल्टरनेटिव्स फिगर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सच दैट फिगर एक्स इज इम्बिडेटेड इन वन ऑफ देम ट्रेस आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन फिगर एक्स हैज इट्स अ मेन हमें क्या करना है कि एक फिगर दिया हुआ है इनमें से देखना है कि कौन से ऑप्शन के अंदर ये वाला फिगर छिपा हुआ है तो ऑप्शन अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो ये वाला फिगर ऐसे आया फिर ये इधर तो गया ये इधर भी गए इधर बट इसके आगे वाला लाइन नहीं है इससे बन नहीं पा रहा एक मिनट यहाँ से ट्राई करते हैं ये यहाँ से आया फिर इस तरीके से तो ये वाला लाइन तो आ गया जेड वाला पोजिशन तो अब ये आगे गया है फिर वापिस आया और ये वाला मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ से हमारे पास वो फिगर बन रही है नेक्स्ट अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर वेंट नाइंटी मीटर इन द ईस्ट नाइंटी मीटर वो क्या कर रहे हैं ईस्ट में मूव कर रहे हैं ही वेंट ट्वेंटी मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन मतलब वो ट्वेंटी मीटर चलता है दोबारा राइट टर्न लेने से पहले राइट अगेन टू लुक फॉर हिज फादर एट हिज अंकल्स प्लेस 30 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट मतलब वो यहां से 30 मीटर चलता है नेक्स्ट हिज फादर वाज नॉट देयर फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर इन द नॉर्थ बिफोर मीटिंग हिज फादर इन अ स्ट्रीट मतलब फादर से मिलने से पहले वो 100 मीटर चल रहे हैं तो ये 20 है तो ये इस पॉइंट से अबव 80 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा तो पूरा 100 हो गया ये वाला डिस्टेंस बिफोर इन हाउ फार डिड सन मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग से यह डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो पायता है ये हो जाएगा हमारे पास ठीक है नेक्स्ट ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स

राइट आंसर होगा नेक्स्ट द स्पीड ऑफ ए कार इज फोर्टी किलोमीटर पर आवर इज टू किलोमीटर पर आवर ठीक है वट इज द टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज इज फोर एटी किलोमीटर डिस्टेंस गिवन है ज इक्वस टू फोर एटी किलोमीटर यहां हमसे टाइम पूछा है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है इक्वल स्पीड टाइम, ठीक है तो टाइम इज इक्व टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस हमें दे रखा है फोर एटी किलोमीटर और स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी तो हमें कन्वर्ट भी नहीं करना डायरेक्ट हम डिवाइड कर देंगे ठीक है तो ये डिवाइड हो जाएगा आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 4 12 आवर्स ऑप्शन 12 आवर्स किसी में ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा 12 आवर्स लगेंगे वन सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करने नेक्स्ट 2 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू टू किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है सिंपली टू किलोमीटर पर आवर सो मीटर पर सेकंड में क्या होगा ये निकालना हमें पता है किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो फाइव बाई एटीन से हम मल्टीप्लाई कर दे अगर एक्स किलोमीटर पर आवर तो इसको डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई एक्स कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड में हमारी वैल्यू आ जाएगी इसमें ठीक है हम यहाँ पे देख लेंगे टू है वैल्यू टू एक्स की टू रख देंगे फाइव बाई एटीन कर देंगे टू से ये नाइन तो फाइव बाई नाइन मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आएगा फाइव बाई नाइन किस में सेकेंड ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन अ डिवाइस एक डिवाइस है कोई उसमें सेल का अरेंजमेंट साइड बाय साइड बिल्कुल कर सकते हैं वन आफ्टर वन बिल्कुल कर सकते हैं बोथ टू बोथ टू थर्ड ऑप्शन हमारा दोनों अरेंजमेंट हो सकता है सेल को हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं ये ये प्लस, ये माइनस माइनस ये प्लस प्लस या बल्ब लगा दिया ये मैं। कोई दिक्कत नहीं ये मैंने यहाँ पे कुंजी लगा दी तो ये भी राइट है और मैं सेल को ऐसे भी लगा सकता हूं ऐसे भी लगा सकता हूँ कोई मैंने बल्ब लगा दिया यहाँ पे तो भी ये काम माँगा। 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 तो ये काम करेगा माइनस माइनस प्लस प्लस तो भी ऑप्शन सही होगा और फर्स्ट ऑप्शन भी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कोई भी मैग्नेट है यहाँ पे नॉर्थ साउथ है तो इसका एक अपना रीजन होगा ठीक है इस रीजन में जो भी मैग्नेटिक मटेरियल आएगा तो वो या तो अपनी तरफ करेगा, रिपल करेगा. तरफ अट्रैक्ट अट्रैक्ट करेगा 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 या अपनी जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होगा उसको अट्रैक्ट करेगा तो वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसके चारों तरफ एक एरिया होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं मैग्नेट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं ठीक तो ऑप्शन टू हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड रीजन अराउंड मैग्नेट इज मैग्नेटिक फील्ड इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट विच इज़ बीइंग यूज इन प्लेस ऑफ फ्यूजेस एमसीबी फिलामेंट, स्विच तो क्या फ्यूज की जगह हम एमसीबी यूज करते हैं एमसीबी एमसीबी ये एक होता है सर्किट ब्रेकर ठीक है या तो लो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होता है और होम वायरिंग में इसको यूज करते हैं जहां लो वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी होती है वहां पे इसको यूज करते हैं और ये सर्किट ब्रेकर होता है जैसे हाई वोल्टेज होता है यहाँ से क्या एमसीबी ट्रिप हो जाती है और सर्किट ब्रेक कर देती है जिससे डैमेज हो जाने से एम्पलियंस से डैमेज होने से बच जाता है तो फ्यूज की जगह आजकल एमसीबी यूज होता है ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीजें नेक्स्ट है वार्म एयर इज लेस देन कोल्ड एयर वार्म एयर हमेशा लाइटर होती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो वार्म एयर का डेंसिटी कम होगी और डेंसिटी अगर कम होगी तो वो लाइटर होगी एज कंपेयर टू कोल्ड एयर तो आंसर हमारा हो जाएगा लाइटर फर्स्ट नाइदर लाइटर नोर सेकंड हैवियर थर्ड लाइटर तो ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइटर क्वेश्चन फोर्टी

एयर एग्जर्ट से प्रेशर बिल्कुल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो एयर की वजह से होता है जो एनवायरनमेंट में एयर है उसकी वजह से भी प्रेशर एग्जर्ट होता है तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएंगे ऑप्शन फोर हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन 49 चूज द करेक्ट अल्टरनेट हाई स्पीड विंड्स आर अकंपेनिड बाय इंक्रीज एयर प्रेशर नहीं ये हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पे हाई स्पीड विंड होगा तो उसका प्रेशर लो होगा ठीक है इनक्रीज इन समर्स विंड फ्लो फ्रॉम लैंड टू ओशियन ये भी गलत में क्या होता है ओशियन से लैंड की तरफ मूवमेंट होता है क्योंकि समर्स में यहाँ पे लैंड पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर डाउन होगा और प्रेशर अगर लैंड पे प्रेशर डाउन होगा तो ओशियन का प्रेशर ज्यादा होगा तो वहां से समर्स में ओशियन से लैंड की तरफ विंड का मूवमेंट होगा तो ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे

तो ऑप्शन तीनों करेक्ट है हमारे तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट ऑप्शन फोर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विंड स्पीड टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है साइक्लोन ठीक है तो यहाँ पे हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ थैंक यू वेरी मच पार्ट डी केमिस्ट्री के सवालों की अगर बात करें तो सवाल है फिफ्टी नंबर वाला कि कॉटन फाइबर इज ऑपनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कहने का मतलब है रोई का जो रेशा है तो किससे प्राप्त किया जाता है तो रोई जो होती है तो आपको पता है एक प्रकार का प्लांट फाइबर होता है रोई जो होती है एक प्रकार का प्लांट फाइबर होता है ऑप्शन इसका आएगा अगला सवाल जो है फिफ्टी टू नंबर के सवाल की अगर बात करें तो वुल फाइबर इज अप ऑफ वुल फाइबर जो होता है क्या होता है वुल जो होती है आपको पता है कोई भी एनिमल जो होते हैं उनके हेयर से बनती है हेयर से बनी होती है और हेयर जो होते हैं एक प्रकार की क्या होती है प्रोटीन होती है क्या होती है ये प्रोटीन होती है तो वूल जो होता है ठीक है वूल है जो है रेसा जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन फाइबर होता है बेटा क्या होता है प्रोटीन फाइबर होता है वूल जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन फाइबर होता है बेटा अगले सवाल की अगर बात करें अगला सवाल ट्रू एंड फाल्ट टाइप का है ध्यान से वुल जो है स्किन से प्राप्त की जाती है स्किन से चमड़ा प्राप्त होता है लेदर प्राप्त होता है उससे जो है प्राप्त नहीं होती। ठीक है चमड़ा प्राप्त होता है उससे लेदर प्राप्त होता है तो इससे ये जो होते हैं ये स्किन से प्राप्त नहीं होता ये हेयर से प्राप्त होती है ये ऑप्शन क्या हो गया गलत है बेटा अगला जो ऑप्शन है जो है ऊन देने वाला जानवर नहीं है गलत बात है का जो है इसको यूज करते हो आप ठीक है ऊन के सोर्स के रूप में उसके बालों को यूज करते हो आप तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया ठीक है अगला सवाल जो है वूल और जो सिल्क जो होती है वूल और जो सिल्क जो है एक प्रकार का प्लांट फाइबर है गलत बात है वूल और जो सिल्क जो है दोनों जो है एनिमल फाइबर होते हैं ये सिल्क जो है रेशम जो है से प्राप्त होती है और ऊन जो होती है किससे प्राप्त होती है भेड़ बकरियों होती है दोनों तो तो क्या है एनिमल हैं तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया तो तीनों ऑप्शन जो इसके गलत हैं तो ऑप्शन क्या आएगा इसका फोर्थ ऑप्शन आएगा बेटा अगला सवाल जो है बोलना चाह रहा है कि इनमें से बुझा हुआ चूना कौन सा है क्विक लाइम कौन सा है ठीक है क्विक लाइम जो होता है क्विक लाइम जो होता है आपको पता है, है। कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हो आप बुझावा ये बिना बुझा हुआ चूना बोलते हो आप

और एक मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड जो होता है ठीक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब है ये एम जी ओ एच होल्टवा जो होता है ठीक है, उसका जो, होता है इसका जो, जो होता है जल में इसका जलीय जो सोल्यूशन होता है एक पास सोल्यूशन जो होता है इसका बोलते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या बोलते हैं इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो ऑप्शन ये भी नहीं आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड भी नहीं आएगा इसका ऑप्शन आएगा कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझाव चुनाव होता है कैल्शियम ऑक्साइड ऑप्शन आएगा इसका थर्ड बेटर ठीक है अगले सवाल की अगर बात करें तो अगला सवाल बिल्कुल सिंपल है तो जो फिनोक्न जो होता है वो इंडिकेटर के रूप में काम किया जाता है एसिड और बेस के लिए तो किस तरीके से वो इंडिकेट करता है बात ध्यान से तो जो फिनोक्लिन जो होता है आपको बताया है ऑरेंज कलर का होता है ठीक है कैसा होता है ऑरेंज कलर का होता है लेकिन जब इसकी रिएक्शन होती है एसिड के साथ में ठीक है जब इसकी एस डी रिएक्शन होती है तो भाई साहब ये इसका कलर क्या हो जाता है फीका पड़ जाता है इसका कलर उड़ जाता है कलर लेस हो जाता है सीन ठीक है लेकिन जब बात करें बेस के साथ में जब इसकी रिक्स होती है बेस के साथ में जब ये रिक्स करता है किसी बेस के साथ में तो भाई साहब ये गुलाबी गुलाबी हो जाता है ये इसका कलर जो होता है पिंक कलर का हो जाता है तो ऑरेंज जो था एच डी साथ यूज करेगा तो कैसा हो जाएगा कलर लेस हो जाएगा लेकिन जब इसकी बेस के साथ यूज होती है तो क्या हो जाएगा पिंक हो जाएगा गुलाबी हो जाएगा तो पहला ऑप्शन क्या आना चाहिए कलरलेस आना चाहिए और दूसरा ऑप्शन क्या आना चाहिए पिंक आना चाहिए गुलाबी आना चाहिए तो कलरलेस और पिंक वाला ऑप्शन केवल सेकंड वाला है बेटा ऑप्शन क्या आएगा इसका रंगहीन और गुलाबी ठीक है अगले सवाल की अगर बात करें अगला सवाल बोलना चाह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है अभी बात चल रही थी मिल्क ऑफ मैग्नीश क्या होता है एम जी ओ एच होल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हो मैगनो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम तो इसका उपयोग किया जाता है एज ए एंटाइसिड ठीक है बिकॉज क्यों किया जाता है क्योंकि आपको पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये जो है एम जी प्लस टू देता है और साथ में दो ओ एच माइनस रिलीज करता है ठीक है ओ एच माइनस रिलीज करने का मतलब है ये एक प्रकार का क्या होता है बेस होता है ये एक प्रकार क्या होता है बेस होता है बात सही क्या ठीक है ये एक प्रकार का बेस होता है और एंटा एसिड का मतलब है एसिड का उल्टा एसिड कौन होता है आपका जो स्टमस होता है उसमें आपको पता है होता है क्या होता है होता है है एचसीएल एचसीएल होता 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 क्या साथ में कौन आ आ गया गया ये वाला वाला माइनस ठीक किसका इसका बेस वाला. तो आपको पता है इसका एस प्लस ये कौन है एसिड है तो ये क्या देगा एस प्लस देगा ठीक है और ये कौन है बेस है ठीक है तो क्या देगा ओ एच माइनस देगा ठीक है ये सीएल -सा माइनस देगा साथ साथ तो एस प्लस और सीएल माइनस सॉरी इसका एच प्लस इसका ओ OH एच माइनस जो है आपको पता है क्या निकाल देगा ये एच टू इसका रिलीज हो जाएगा ठीक है लेकिन साथ में इसके साथ एम मैग्नीशियम भी है तो इसका हो जाएगा एम जी सी एल टू बन जाएंगे ठीक क्योंकि इसके दो मोलिक्यूल काम आएंगे ठीक है क्योंकि ये दो ओ एच माइनस देंगे तो दो एच टू निकल जाएंगे ठीक है और साथ में इसका मैग्नीशियम है तो इसका मैग्नीशियम क्या बन जाएगा क्लोराइड बन जाएगा तो कुल मिला की बात है तो एसिड जो है ये साल्ट में चेंज हो गया ठीक है एसिड जो है ये एस्टो में चेंज हो गया तो इसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि जो ओ एच आपने यूज किया जो आपने बेस यूज किया ठीक है इसका इसका इसके असर को कम कर देगा ऑप्शन ऑप्शन क्या आएगा आएगा क्योंकि ये बेस होता है क्योंकि ये ओएच माइनस रिलीज करता है ओके फिफ्टी सेवन सवाल की अगर कर बात करें तो क्रिस्टलाइजेशन इज क्रिस्टलीकरण एक प्रकार की है तो बात तो हो ध्यान से जैसे आपके पास है एस्टो ठीक है और ये लिक्विड फॉर्म में है जब इसको ठंडा करोगे जब इसका टेम्परेचर आप कम करोगे तो ये एस्ट्रो जो है ये सोल्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा ठीक है ये जो वाटर था ये आइस में चेंज हो जाएगा ठीक है तो ये जो प्रोसेस है एक प्रकार की क्रिस्टलाइजेशन है ठीक है तो ये जो जब लिक्विड से सोल्ड बना ठीक है जब इसको टेम्परेचर कम किया गया ठीक है तो आपको पता ये पहले भी एस था और अब भी एस था ठीक कहने का मतलब है इसका केमिकल कंपोजिशन जो है पहले भी ये था और अब भी क्या है यही है तो कहने का मतलब है इसकी केवल फिजिकल स्टेट चेंज हुई है यह प्रकार का एक क्या है फिजिकल चेंजेस है इसकी, इसकी केमिस्ट्री चेंज नहीं हुई है पहले भी एच टू था अब भी एस टू है तो ऑप्शन आएगा इसका सेकेंड बेटा ठीक है अगर फिफ्टी फिफ्टी एट नंबर के सवाल की अगर कर बात करें तो गेलवेनाइजेशन जो प्रोसेस होती है गेलवेनाइजेशन जो प्रोसेस होती है एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है केमिकल चेंजेस होता है एक प्रकार केमिकल हो? रिएक्शन होती, 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 होती है ठीक है और तो मतलब नहीं है, ये नहीं होती है होती है रिवर्सिबल नहीं होती इन रिवर्सिबल होती है ठीक है और डाइजेशन तो मतलब ही अलग है ठीक है और फिजिकल चेंजेस नहीं होता क्योंकि ये प्रकार का केमिकल चेंजेस है तो ऑप्शन क्या आएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा बेटा अगला सवाल देखें आप फिफ्टी नाइन नंबर का सवाल जो है बोलना चाह रहा है इनमें से

तो साथ में एस्टो भी रिलीज हो जाता सही है क्या ठीक है तो अगर ये हाइड्रोकार्बन होता तो एस्टो भी रिलीज हो जाता लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की तो बात कर रहा हूं यहाँ पर कार्बन की ठीक है तो ये प्रकार की एक जलने की प्रोसेस है ये एक प्रकार की जलने की प्रोसेस है ये एक प्रकार की बर्निंग रिएक्शन है ठीक है।, है तो इसमें जो प्रोडक्ट है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ठीक है और एक क्या बन रहा है हीट बन रहा है आप ऑप्शन को देखिए आप इट इज द प्रोडक्शन ऑफ हीट बात सही है ये उसमा का उत्पादन करता है बात सही है इसके लिए आवश्यकता हो रही है एस्टो की सॉरी ऑक्सीजन की आवश्यकता किसी हो रही है ऑक्सीजन की आवश्यकता है बिल्कुल सही बात है ये ऑप्शन भी सही है ठीक है और आपको पता है ये कार्बन था जब इसकी रिएक्शन हुई इसके साथ में तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गया ठीक है इसकी केमिस्ट्री अलग है इसकी केमिस्ट्री अलग है इसकी प्रॉपर्टी अलग है इसकी प्रॉपर्टी अलग आ रही है ठीक है तो ये एक प्रकार का केमिकल चेंजेस है ये क्या हो गया एक प्रकार केमिकल चेंजेस हो गया

उत्सर्जन होता है बात सही है लेकिन ऑप्शन क्या हो गया फोर्थ क्या हो गया गलत हो गया तो ऑप्शन क्या गया? इसका फोर्थ ऑप्शन आएगा अगले सवाल की अगर बात करें अगला सवाल बोलना चाह रहा है कि कौन सी गैस है जो हार्मफुल अल्टावल गैस ये रेडिएशन को जो सूर्य से आ रही है उनको रोकती है ठीक है तो आपको पता है ऑक्सीजन जो होती है मतलब ही नहीं ये कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउक्स गैस गे, होती है की। ठीक है नाइट्रोजन जो होती है हालांकि सेवेंटी एट परसेंट होती है लेकिन इसमें ट्रिपल बोर्ड होने की वजह से ये रिएक्शन नहीं करती है ठीक है होती है लेकिन जो ओ थ्री जो होती है जो ओ थ्री होती है इसको आप ओजोन बोलते हो आप अरे क्या बोलते हो आप ओजोन बोलते हो ओजोन जो गैस होती है आपको पता है अल्ट्रावलट गैस को जो अल्ट्रावलट जो रेडिएशन होती है अल्ट्रा जो रेडिएशन होती है, है उनको रोकने का काम करती है कौन करती है ओजोन करती है ऑप्शन आएगा इसका सेकंड ऑप्शन

बिलो फ्रॉम वन टू फोर आर से सम फूड आइटम्स ठीक है ये आपको कुछ फूड आइटम दिए हुए हैं अच्छा अब आपको बताना क्या है फिर विच ऑफ द अबव विल गिव ब्लू ब्लैक कलर वन टेस्टेड विद आयोडीन आपको ये पता है कि आयोडीन जो होता है आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है स्टार्स को स्टार्स की प्रेजेंस को चेक करने के लिए तो आपको ये देखना है आयोडीन जब हम डालते हैं स्टार्च के सॉल्यूशन पे तो ब्लू ब्लैक कलर आता है ठीक है तो हमको देखना है इन चारों में से कि स्टार्च किस में है पहला देखते हैं बॉइल्ड एंड मैश मैश्ड पटेटो तो इसमें तो क्या है बेटा स्टार्च है बिल्कुल सही बात है क्या मस्टर्ड ऑयल में है नो no. राइस वाटर बिल्कुल स्टार्च है इसके अंदर भी ग्लूकोज सोल्यूशन है तो ब्रेक डाउन मतलब ये तो सिंपल यूनिट हो गई ना तो स्टार्च की बात ही नहीं है यहाँ पे ये और ये यानी कहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा फर्स्ट एंड थर्ड तो इन ऑप्शन में फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ पे दिया हुआ है तो ये देखिए फर्स्ट एंड थर्ड अपना ये ऑप्शन सेट हो गया यहाँ पर तो चलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द दोसफेयर इज अ मेजर ऑफ

द टेम्परेचर इन पोलार रीजन इन विंटर विल बी एज लो एज कितना चला जा सकता है माइनस फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड टू माइनस सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट ही मूव करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिलोंग्स टू पोलार रीजन तो इसका बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा नॉर्वे जो है वो पोलार रीजन से बिलोंग करता है थैंक यू